दंडावत बंदन सर्वकला समर्थ दोलन के राखव प्रभु नानक दे कर हाथ श्री नानक पुरुषोत्तम परम परागर नाथ जुगल चरण मान बंदना तार पार तार कार पाथ श्री गौर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन का वंदना सिर चरणन पर तार एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतगुरु गरीब निवाज भगत पावन भगत बशल करुणा निदान दसा पातशाहियां दी परदाख जोर अकाल पुरख वाहिगुरु दे जाहर जरूर सलूक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सुभाए मान सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सत्कार योग साध संगत जीओ वाहिगुरु की बख्शिश के सदका जीवन दिया कुछ घड़िया गुर चरणा विच जुड़ मिल बैठ सतसंगत करदिया होया बिताउण का समा मिल रहा है। अमृत रूप गुरबाणी का मनोहर कीर्तन और अमोलक गुरमत विचार संगत सरवण कीतिया चल रहे प्रोग्राम मुताबक कुछ समा कुछ बदलना की सांझ आप जी नाल पा सकां मेहर भरिया हथ सिर ते रखो आग्ञा बख्शिश करो जी गुर चरणा विच सीस नवाउंदिया प्रेम सहित बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। समुचे तौर ते मौजूदा सिख संघर्ष के समूह शहीदां नूं याद करदियां और खास तौर पर 1984 के घल्लोघारे के शहीदों को नतमस्तक होंदिया होया पिछले कुछ दिनों तो आप गुरु के चरण बरस रहे हाँ कथा कीर्तन और सुंदर विचार संगत सरवण कर आ रही ने कौम की चढ़ती कला के वास्ते कौमी घर की स्थापना वास्ते और साधु महाराज जी की सिक्खी देशों विदेशों में फैलाने लई कौम के वलों गुलामी का जोड़ा लाने लई सिख कौम ने जो संघर्ष 20वीं सदी के विच लड़िया के जो अजे भी जारी है खास तौर पर इस हिंद पंजाब की जंग के महानायक दमदमी टकसाल के 14वें मुखी नाम बाणी के रसीए कहने और करने के पूरे बचना के सूरे
महापुरुष संत ज्ञानी जब नैर सिंह जी खालसा ढिंडरा वाले हैं ये आप सारे ही जानते हैं। उन्होंने महापुरुषों की शख्सियत के बारे दुनिया के तरह तरह के विचार चलते हैं तो आपो अपनी समझ आपो अपनी मत मुताबक लोग उन्होंने बारे गल करते हैं पर उन्हें कौम की जो ठोस निग्रह अगवाई कर देना हो सेवा की गुरु पंथ नाल प्यार रखने वाला हर व्यक्ति उस तो चंगी तरह जाणू है। अज संत जरनैल सिंह जी खालसा हर गुरु घर के प्रेमी गुरसिख के सीने विच हिरदे विच वसदे ने। मैं उन्हां महापुरखां बारे कुछ वचन संगतां नाल साझे करन तों पहला सतगुरु महाराज जी की उत्तम संस्था दलवे टकसाल बारे कुछ साध संगतां नाल पावां। जिस संस्था विच आ के महापुरख संत जरनैल सिंह जी ने अपने जीवन की उच्ची सुची घाट घड़ी ते जिस महान संस्था की अगवाई एक मुखी के रूप में करदिया होया कौम की महान सेवा उन्होंने की। बहुतियां संगतां इतिहास तों जाणू भी हन कौम की नवी पनीरी जो अगे कौम का भविख है बड़ी वड्डी जरूरत है कि वह भी अपने इस शाना मते इतिहास तों जाणू होण। इसलिए कुछ समा पहला मैं यही बेनती कर लवां श्री आनंदपुर साहिब जी की पावन पवित्र धरती ते अमृत वेले एक गुरसिख के मूहों श्री गुरु नानक देव साहिब जी की रामक के राग विच उचारण की बाणी दखणी ओंकार का पाठ जो कि गुरसिख सहज सुभा ही बड़े प्रेम सहित उच्ची आवाज विच कर रहा है अपने सिंघासन से सुशोभित हुए सतगुरु गोबिंद सिंह साहब जी वो आवाज गुरु की बाणी के पाठ की सुन रहे सन। पंगती आई करती की वित करता जाना कह जाना गुरसूरा पर जिमें आम तौर पर असं अणगहली वक्त जाते हाँ उस गुरसिख ने पंगती पढ़ी के जाने गुरसूरा कै की जगह के पड़ेगा। जब यह गलत उचारण की आवाज सतगुरां ने कमी पई उच्ची आवाज मारी सतगुरां ने गुरसिखा पंगती शुद्ध पढ़ पर प्रेम विच मगन होया गुरसिख आवाज सुन ना सकिया। दो तीन आवाजा मारन तो भी जदों उस गुरसिख ने आवाज वाले ख्याल ना किया सतगुरां हजूरी सेवादार नूं भेजिया कि जाओ इहदे दो चपेड़ा मार के ते पासे जा के बिठा दिओ। गुरु के हुक्म की तामील होई उस गुरसिख नूं चपेड़ा वजिया और दूर बिठा दिता गया। आसा की वार दे कीर्तन की समाप्ति उपरंत बड़े रोस नाल भरिया होया वह गुरसिख प्यारा सतगुरां दे पास आया सी ते बेनती करन लगा कि सतगुरु सानू तां आप जी तों सिखिया ये मिली उपदेश ये मिलिया कि गुरु की बाणी का ओट आसरा लैके जमा की मार तो बच जाइदा है। जे आप जी की हजूरी विच बाणी पढ़दिया होया मार पैनी है तो जमा की मार तो किवें बचांगे। तुहाडे ब्योहीदार ने तुहाडे सेवादार ने मैनूं बाणी पढ़दे नूं चपेड़ा मारिया। सतगुरु कहण लगे गुरसिखा एक दो चपेड़ा तेनों वजिया बड़ा दुख होया ते बड़े रोस का भरिया आया है तू जो साडे अंग तोड़दा सी सानूं ना दर्द होया। हैरान रह गया गुरसिख महाराज ऐसी बेअदबी मैं कीती की मेरे कोलों खनामी होई मैं अंग किवें आप जी दे तोड़े। महाराज कहण लगे पंगती पढ़ के सुना। जदों दोबारा पंगती पढ़ी सतगुरां दे कहण तों फिर कै दी जगह ते के ही पड़िया ते सतगुरां ने फिर उस वक्त पंगती का अर्थ समझाया सी गुरसिख प्यारिया जो सतगुरां ने पंगती उचारी है करते की मेतर करता जाने अकाल पुरख वाहिगुरु की महिमा नूं वडियाई ते मर्यादा नूं करता परमेश्वर आप जानदा है कै जाने गुरसूरा कै का अर्थ है जान परमेश्वर आप जानदा है तां जां कौन गुरु सूरमा जानदा है भाव कि वाहिगुरु आप अपनी मर्यादा नूं अपनी वडियाई नूं जानदा है ते जां उस परमेश्वर दे सरूप सतगुरु जी उस वडियाई नूं जानदे ने। तूं पढ़ के कि जाने गुरसूरा केरा अर्थ है कि इहदे तों अर्थ बन गया कि परमेश्वर दी वडियाई नूं परमेश्वर जानदा है गुरु की जानदा है
की जानता तो भाव के कुछ भी नहीं जानता।